March, and we are going to Hampi. Hamlog mein SRI bus se booking ki hai. Best option to go Hampi is from travel bus, and we are going through SRI bus. We'll go to Hospit. Hospit humko hamare paas utaregi kal subah morning mein. Aaj hum log ne bus catch kiya hai at 5:45 ko from Vashi. The bus charges from Mumbai is 1,300 per person, and for return from Hospit to Mumbai is 1,200. So abhi tak to kaafi acha hai bus. It's good. Let's see kal ko subah kitne baje pahunchte hain. This is what sleeper coach looks like in luxury buses. Got AC and big windows to bed, TV. I have got charging ports also. See, you can have a charging port, speaker, seat, cushion, and this is what looks like foyer. We have upper layer. It's a single seat. Nice, simple and cozy. घर जैसा वॉल क्रिएट करके पूरा खिड़की दरवाजा सभी था. अच्छा, उसका आगे डेमोलिश किया. हाँ, क्योंकि वो पूरा हेरिटेज साइट है. अब एक्सपेंडिंग करेगा, रिबिल्ड करेगा. अच्छा, मंदिर आता बराबर हम आपको लैंड दिया. हाँ, और बैंक से लोन बनाया. अच्छा, एक घर को एक जगह को टूरिस्ट पूरा साल आता है क्या? पूरा साल नहीं, नवंबर स्टार्ट होता है. नवंबर बारिश से फरवरी तक आईटी फर्म पे चलता. हां, वीकेंड में हमारे इंडिया. हां, वो तो पास में. हां, फ्राइडे सैटरडे संडे. बारिश होता है यहां पे? अच्छा, बारिश बहुत कम होता है. नहीं होता, रात में होता है. अच्छा, दिन में होता तो बराबर होता है 1 घंटा मैक्सिमम. अच्छा, वही बड़ा बारिश. अच्छा, काफी खर्च बेसिकली. ये है हम्पी का हिसाब किताब. एक ये देखो सामने, वो आपको फेरी जा रही है. फेरी बोट कनेक्ट करती है हम्पी की मेन मार्केट को हिप्पी आइलैंड से. वो जो पूरा एरिया है वो हिप्पी आइलैंड के नाम से जाना जाता है. इस साइड का जो जितना एरिया है वो हम्पी बाज़ार, जो मेन टाउन है, ओल्ड टाउन है हम्पी का, बेसिकली जो मेन है उसके नाम से जाना जाता है. उतना जितना एरिया है वहाँ पे बॉर्डर्स मिलेंगे, चिल आउट जोन है. बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे जाते हैं जस्ट चिल करने के लिए. मेन अट्रैक्शन है, जो मेन टेंपल्स है, 80% टेंपल्स अब ये एरिया में है आसपास में. मैं अभी मेरे गेस्ट हाउस है उसके टेरेस पे हूँ. मेरे पीछे आप देख सकते हैं विरूपक्ष टेंपल है. वो जो ऊपर दिख रहा है आपको वो मातंगा हिल है, और ऊपर वो एक मंदिर है, और यहाँ पे बाकी के सब ये सब मेन रुइंस है. बेसिकली यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस या कोई भी बाइक लेके आप जा सकते हैं.
साइकिल्स मिलते हैं, बाइक्स मिलते हैं। बाइक्स पर डे 400 रुपीज़ रेंट है और पेट्रोल का पर लीटर 100 रुपीज़ है और साइकिल 100 रुपीज़ रेंट है। Opposite side you get the Vithala temple, Matanga hill, and in front you see the Virupaksha temple, and left hand side you get the Hemkota hill.